किडनीज हमारी बॉडी में द फिल्टर ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड स्पेसिफिकली द मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। जिस तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर जब हम फैक्ट्री में से बाहर आते पानी को देखें तो हम देखते हैं बहुत गंदा पानी जनरली केमिकल बेस्ड फैक्ट्रीज में आ रहा होता है, और उस फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है उस मैन्युफैक्चरिंग में जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो उस पानी के माध्यम से शरीर से उस फैक्ट्री से बाहर फेंके जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं किडनीज की, तो हमारी बॉडी में हमें जिंदा रखने के लिए हर वक्त मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में निरंतर चल रहे हैं, और इन दोनों ही प्रोसेसेस के कारण जो बॉडी में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बन रहे हैं उन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से निकालने का जो जरिया है वह है हमारी किडनीज। आज की दुनिया में जहां स्ट्रेस लेवल अधिक है, बहुत बार हम लोग जितना पानी हमें रोज पीना चाहिए वो नहीं पी पाते हैं, हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसी मेडिकेशंस जैसे कि पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो वो कहीं ना कहीं किडनीज के लिए उतनी अधिक सेफ नहीं है। सो जहां एक तरफ किडनीज को लाभ पहुंचाने वाली चीजें आज कम की जा रही हैं, वहीं किडनीज को हार्म करने वाली चीजें बहुत सी। इवन अगर हम फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हमारे फूड को सुंदर करने के लिए वो रंग डाले जाते हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी के लिए उतने सेफ नहीं है। बाजार में मिलने वाला पैक्ड फूड और यहां तक कि बहुत बार नॉन पैक्ड फूड भी कहीं ना कहीं पे प्रिजर्वेटिव्स के साथ होता है, वो प्रिजर्वेटिव्स अगेन बॉडी के लिए बहुत सेफ नहीं है। इन सारे ही कारणों से कहीं ना कहीं हमारी किडनीज का काम बढ़ गया है, और क्योंकि काम बढ़ गया है और सपोर्ट उतनी अधिक हम नहीं दे पा रहे हैं किडनीज को, यही कारण है कि धीरे धीरे जो ये किडनीज हैं ये पहले से कम काम करने लग जाती हैं। लेकिन कुदरत ने हमें इतनी एक्स्ट्रा किडनीज दी हैं, इतने एक्स्ट्रा नेफ्रॉन्स दिए हैं कि जब 2/3 किडनी भी डैमेज हो चुकी होती है, 2/3 अप्रोक्सीमेटली अगर हम लगा करके चले तो मैं कहूंगा परसेंटेज में बात करूं 70% किडनी डैमेज भी अगर हो जाता है उसके बावजूद भी क्रिएटिनिन यूरिया जनरली स्टेबल नजर आता है। और जनरली जो टेस्ट हम देखते हैं किडनी पेशेंट में वो क्रिएटिनिन और यूरिया ही दो ऐसे टेस्ट हैं जिनको देखा जाता है, और यही कारण है मैं इन टेस्ट को मिसलीडिंग बोलता हूं बहुत बार, यही कारण है कि क्रिएटिनिन यूरिया पे लगातार नजर बनाए रखने के बावजूद जब एक रोज क्रिएटिनिन 3 से ऊपर जाती है तो डॉक्टर्स पेशेंट को बता देते हैं कि अब आपकी किडनीज अप्रोक्सीमेटली 70-80% काम नहीं कर रही। तो बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए कि हम शुरुआत में ही एक तो सही टेस्ट करवाए। सही टेस्ट क्या है? 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन, 24 घंटे में यूरिन के माध्यम से कितना प्रोटीन, कितना लीकेज प्रोटीन का हो रहा है। और दूसरा टेस्ट है 24 आवर यूरिनरी क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, कि कितना क्रिएटिनिन यानी कितना टॉक्सिन, क्योंकि क्रिएटिनिन इज अ मार्कर जो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देती है कि बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल क्या है, तो कितना टॉक्सिन शरीर से बाहर फेंका जा रहा है यूरिन के माध्यम से। सो इन टेस्टों को निरंतर करवाएं और इन पे ध्यान रखें, क्योंकि हल्का सा भी आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी में बदलाव आएगा तो ये टेस्ट बदल जाएंगे। और मान लीजिए हल्का सा बदलाव अगर इन टेस्टों में आपको नजर आता है, बिल्कुल मत घबराएं। आयुर्वेद में पुनर्नवा, गोक्षुर, वरुण ऐसी कई प्रकार की हर्ब्स हैं, जो हर्ब्स अगर इस्तेमाल की जाती हैं तो वो किडनीज के डैमेज टिश्यूज को सपोर्ट भी देती हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमारी क्रिएटिनिन लेवल्स, अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल किसी भी तरीके से बढ़ा हुआ पाया जाता है तो उस क्रिएटिनिन लेवल को भी ये रिड्यूस करने में बहुत हद तक सक्षम। सो इसीलिए अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, अगर ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, हमें यह हरगिज नहीं सोचना है कि केवल मात्र अब आने वाले समय में डायलिसिस ही एकलौता सहारा है। हमें याद रखना है कि आयुर्वेद की मदद से, योगा की मदद से, सही प्रकार की जीवन शैली की मदद से हम डायलिसिस से पूरी तरह बच सकते हैं। जो किसी भी प्रकार का गाइडेंस आपको इस रिगार्ड्स में हमारी टीम से चाहिए हो, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू शेयर दोज डिटेल्स ऑन द हेल्पलाइन नंबर्स व्हिच आर देयर ऑन your screens. I was a bit reluctant to start with Ayurveda, but when I met Dr. Navdeep during his visit to the UK, he infused confidence in me and I started treatment from him. So thank you, Dr. Navdeep Sharma, for giving me a kidney disease free life. You're indeed the best Ayurvedic doctor I've ever come across. Dr. Navdeep Sharma from Rishikesh, you are the best Ayurvedic doctor I have come across. Thanks for giving my uncle a kidney disease free life.